हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसे कि आपको पता है, आज हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं प्रतिशत का क्वेश्चन। हालांकि प्रतिशत के कई सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, पर आज जो है ये कुछ अलग टाइप का है, जिसे देखकर आप हमारी क्लास पे आए हो ना। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको, हमारी क्लास में यहीं पे खड़े होके या बैठे के जो भी करके आपको हमारी क्लास को शांति से देखना है। क्या करना है हमको पता है, आप सोच रहे होंगे अंडर रूट में हम कैसे इसे का प्रतिशत निकालेंगे। तो कुछ भी नहीं करना है, जैसे आप जानते हो हमने आपको सिखाया था, जैसे 250 का हम निकालते हैं 20%, तो कुछ नहीं करते थे, 250 लिखते थे हम, फिर क्या करते थे, मल्टीप्लाई में 20 लगते थे। और प्रतिशत का मतलब हमने क्या बताया था, बटे में 100, तो बटे में 100 लिख देते थे। और फिर हम क्या करते थे, 0 से 0 काट देते थे, फिर 25 दूनी 50 कर देते थे, निकल के आ जाता था। ऐसा अब हम यहाँ पे भी करने वाले हैं, कुछ अलग नहीं है, अंडर रूट से घबराना नहीं है। क्या करेंगे, तो भाई देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक में ही अंडर रूट बना लेते, भाई इसके ऊपर भी अंडर रूट, इसके ऊपर भी अंडर रूट, तो हम बड़ा सा अंडर रूट बना देते हैं। और यहाँ पे लिख लेते हैं 48, यहाँ पे लिख लेंगे 3। अब क्या करेंगे, हम काट देंगे अगर कटता होगा तो। फिलहाल ये कट रहा है, 3 एकम 3 3 एकम 3 एक बचा, मतलब 6 18। ठीक है, हमारे पास ये आ गया है। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ताकि जब आप मल्टीप्लाई लगा देंगे, प्रतिशत को लिख देंगे 35/100। अब हमका पता है का पता है कि अंडर रूट 16 यहाँ पे आ गया है, अंडर रूट 16 यहाँ पे समझ लो अलग। अंडर रूट 16 का मतलब होता है 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 का हम क्या निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, तो आएगा 4। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे क्या आ गया है, 4 बड़गुड़ा में हो जाए आएगा 35/100। अब हम लिख देंगे यहाँ पर 100। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से काट देंगे, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 5 20 कट गया 25 बार में। अब क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 7 35 होता है, 5 5 25 होता है, तो हमारा आ जाएगा 7/5। क्या आ जाएगा, 7/5। अगर इसको और सॉल्व करना है तो 5 से भाग करेंगे हम। अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पे देख लो, 5 से करेंगे 7 को भाग, 5 एकम 5 होता है, घटाएंगे तो बचेगा 2। अब तो जाएगा नहीं, तो क्या खपड़ी या पानी मत फोड़ना, एक दशमलव लगा लेना। तो दशमलव यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 5 चक्कू करेंगे 20, ये हमारा कट जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1.4। ये हो गया हमारा आंसर। अब कर लेते हैं एक और क्वेश्चन, क्या कहते हो भाई। आ गया हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है अंडर रूट 18/√2 का 20% हमें निकालना है, तो कैसे करेंगे, सेम वही काम करते रहेंगे, बड़ा सा अंडर रूट बनाएंगे, जहाँ पे 18/2 लिखेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 एकम 2 नैम 18 आता है, और ये हमारा क्या आ गया है, अंडर रूट 9 का मतलब होता है हमारा 3 का होता है 3, यहाँ पे लगा देंगे
मल्टीप्लाई बीस अपॉन में हंड्रेड कर देंगे। अब क्या करेंगे, बीस लिखेंगे यहाँ पे बटे में सौ करेंगे। अब सौ बीस एक कम बीस पंचे सौ, तो हमारा क्या आ गया है तीन बटे में पाँच। अब नहीं आता है अगर भाग तो यहाँ पे देखो आ जाओ भाई, तो पाँच से करेंगे तीन को भाग पर जाता नहीं, पर जाता नहीं है क्या, नहीं जाता है पहाड़ा नहीं जाता है, तीन में नहीं कटता है, तो कुछ मत करो यहाँ पे जीरो के बाद एक दशमलव लगा। हमारा पेन भी ख़राब हो गया है का, कुछ नहीं हुआ है, दशमलव लगाओ फिर यहाँ पे एक जीरो बढ़ाओ, पाँच छक्का तीस कर दो, घटा के का इसको काट पीट दो। अब आ गया है हमारा क्या, जीरो दशमलव छः, ये हो गया है हमारा आंसर। उम्मीद है क्लास में आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और कर देना वीडियो को लाइक। और अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स और यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको बुक्स पढ़नी है, सोल्यूशन चाहिए, मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, उसके लिए आपको प्ले स्टोर से हमारे ऐप चूज स्टडी को डाउनलोड करना होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।